a plus b बटा अंडर रूट ए बी बराबर कितना 2 बटा, और आपसे पूछा कि a माइनस b का मान क्या, समझना तो दोस्तों इसको यदि जो क्रॉस गुना करो तो a प्लस बी बराबर 2 रूट ए बी। अरे हाँ यार सर, आप देखिएगा आप इसको कह सकते हैं कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो बोलेगा ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 2 रूट ए बी का होल स्क्वायर, तो होगा कौन सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, अरे ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ना विद्यार्थी, अब बोलेगा दुदुनी 4 ए बी। आपको जो पूछा जिस पर ध्यान दीजिएगा, इसको कह सकते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये दो गो आई चार गो, तो चार गो आएगा तब माइनस में हो जाएगा, तब माइनस टू ए बी बराबर जीरो, तो इसको कह सकते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर जीरो, तो ए माइनस बी बराबर भी जीरो। भुज एबीसी में 16 सेंटीमीटर भुजा वाला समबाहु त्रिकोण हो, समबाहु त्रिकोण मतलब समबाहु त्रिभुज हो, कह रहा है उस त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी, तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर सूत्र होता है रूट थ्री बाई टू गुने भुजा, अरे रूट थ्री बाई टू गुने भुजा बराबर ऊंचाई होता है, अब भुजा का मान क्या है 16, तो दो का दो दो अठी 16, तो आंसर हो जाएगा 8 रूट थ्री। वो परिकेंद्र है, देखना है एक बात पता है, परिकेंद्र वो है वृत्त त्रिभुज के बाहर, अरे परि का मतलब बाहर होता है, अंतः का मतलब अंदर होता है, तब परि के अंदर कहा तो वृत्त कहाँ होगा बाहर होगा, तो इसके अंदर में विद्यार्थी जी होगा जो त्रिभुज होगा, ये त्रिभुज ड्रा कर दो भाई, ये त्रिभुज तो ड्रा कर दिए, अब जरा सा सुनना विद्यार्थी, कहता है परि ये केंद्र होगा, ए बी सी केंद्र का नाम, आप बच्चे बड़े अच्छे सोचिएगा क्या सोचवा रहा हूँ, जो मैं कहूँ ये केंद्र से परिधि तक का दूरी है, अरे हाँ है ना सर, ये भी केंद्र से परिधि तक का दूरी है, आई भी केंद्र से परिधि तक का दूरी है, एज्जा से एज्जा एज्जा से एज्जा एज्जा से एज्जा सब दूरी कौची है बराबर, तक कोई एगो यदि जो दिल्ली है 8 तो सभ्य होगा 8, अरे हाँ है ना, चलिए बोलेगा 12 9 मीटर 2 सेंटीमीटर था 902 है, छत बनाने के लिए 41 सेंटीमीटर फलक वाली न्यूनतम कितनी बड़ा का टाइम लगेगी, तो सुनिएगा आप जानते होंगे मेंसुरेशन में संख्या निकालना होता था बड़का का क्षेत्रफल बटा छोटका का क्षेत्रफल, बड़का ही है क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है लंबाई गुने चौड़ाई, लगाने वाली आकृति का वर्गाकार है तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर 41 गुने 41 से इसको काटिए विधान 41 दुनी 82 तो ये 8 बचा फिर 41 दुनी 82, अब देखिएगा 41 से 27 कितना बड़े 37 गुना करिएगा भाई साहब, देखिएगा 62 54 से के 4 हाथ में बचा 15, अब 35 66 15 विद्यार्थी जी 81 800 log 3 x माइनस 4 बोले लॉग 81 को क्या है 3 का पावर 4, तो इससे ही तो उड़ जाए, तो बचेगा x माइनस 4 बराबर 4, तो देन x बराबर 4 4 स्पर्श रेखा है, तो सुनिएगा सबसे पहले वृत्त बनाइए, बोलो जिसका केंद्र क्या है अब P और इसका स्पर्श रेखा, चलो ये स्पर्श रेखा इसको ऐसे मिलाएं और इसको ऐसे और क्या करते मिलाने के बाद कहा कि पी आर स्पर्श रेखा क्यू बिंदु पर त्रिज्या 4 है, चलो भाई 4, अब कहता यदि POR 90 डिग्री POR यानी ई कोण का डिग्री 90 डिग्री, तो 90 के सामने वाली भुजा कर
अरे 90 के सामने क्या होगा कर्ण। आप पाइथागोरीय त्रिक से क्या करते हैं, कर्ण का वर्ग लंब और आधार के वर्गों के योगफल के। अब कहता है भाई साहब कि ओ आर बराबर 5 है, ओ आर बराबर एजा से एजा का 5 है। आई वाला है विद्यार्थी जी 20/3, चलो एरा से मतलब वो नहीं, 20/3। तब पी आर का मान पूछा तो मैं कहूँ कर्ण का वर्ग लंब और आधार के वर्गों के योगफल के बराबर। तेजा से सूत्र लग जाएगा विद्यार्थी जी, 20 का स्क्वायर 400, 3 दिया 9, कैलकुलेशन कितना आराम है विद्यार्थी, 25 रामा 225। अच्छा 225 को 400 में जोड़ेंगे तो 625, 625 को बाहर निकालेंगे तो 25 बटा 3। देखिए लिख देते हैं भाई साहब, ए राज्य को जरूरत है कितना 25%, बी को 45%, और सी को 20%, और डी को 60%, और ई को 55%, और एफ को 30%। सुनेगा, ये जो ग्राफ दिया है बिजली की जरूरत को दर्शाया कि राज्य ए को जरूरत कितना 25, तब पूर्ति है कितना में 75। अरे भरल होगा 75 तब ना 25 का मांग किया होगा, और दूसरा में 45, तीसरा में 20, चौथा में 60, पांचवा में 55, छठा में 30। तो हमसे पूछा है कि बताइए किस राज्य में अधिकतम प्रतिशत गांव में बिजली है, तो जहां जरूरत कम, तो किसका जरूरत कम बोलो विद्यार्थी। आप लोग सोच रहे होंगे लंका 60 का मान, तो 60 तो जरूरत है ना विद्यार्थी जी, जो कि ये सही की गलत सुनेगा, जब एक दूसरे में घुलन मिलन हुए उसका मान सबसे अच्छा सेट होता है क्या, एक, ठीक ना। तेजा से बोलो ई एक 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 जोड़ के कितना, एक गुने एक तो एक, फिर एक गुने एक तो एक, फिर एक गुने एक तो एक, तब फिर से कौन ची 3/3। आपसे पूछा है 2a + 3b + 7c, कैलकुलेशन करिएगा a का b का c का मान क्या है, तो किसी संख्या में एक से गुना करेंगे तो उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो खाली संख्या को जोड़ दो, 3 2 5 7। आगे x - 2a x - 6a x - 10a + k to the power 4, एक पूर्ण वर्ग है तो k का मान क्या होगा, कुछ नहीं होता, जो इंटरवल है उसी का ये मान। इंटरवल कितना का? चार का। चार। k बराबर 4 का पावर 4, सो कहता है 40 मीटर की दूरी पर, 40 root 3a चाप की लंबाई बटा वृत्त में विद्यार्थी जी थीटा बराबर सूत्र होता है चाप की लंबाई बटा त्रिज्या। अब जरा सा सुनिएगा भाई साहब, चाप की लंबाई बटा त्रिज्या में से हमें कहना क्या